दोस्तों मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको हॉट एयर ब्लोअर रिपेयर करना सिखाऊंगा। इस वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि हॉट एयर ब्लोअर किस तरीके से काम करता है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, और अगर ये खराब हो जाए तो आप घर पर इसको आसानी से किस तरीके से रिपेयर करेंगे। इन सब के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों जो आप ब्लोअर अपनी वीडियो में देख रहे हैं उसके अंदर दिक्कत यह है कि वह उसका फैन वर्क नहीं कर रहा है। और दोस्तों इस एयर ब्लोअर का सर्किट बहुत ही ज्यादा आसान है, इसके अंदर इतने ज्यादा कोई कंपोनेंट लगे भी नहीं होते हैं। इसके अंदर एक एलिमेंट लगा हुआ है जिसको आप हीटर कह सकते हैं। जब पावर सप्लाई इस एलिमेंट से होकर जाती है तो यह एलिमेंट गर्म हो जाता है और हीट हो जाता है। इसके बाद इसके फ्रंट में आप देख सकते हैं एक फैन लगा हुआ है जो फैन इसकी गर्मी को सक करता है और आगे भेज देता है, जिससे हमें हॉट एयर मिलती है। तो इसका यही प्रिंसिपल है दोस्तों और ये काफी आसान है। जैसे कि आप हमारी वीडियो में देखें, हमारे फैन में दिक्कत ये आ रही थी कि वह घड़ घड़ की आवाज आ रही थी, जिसकी वजह से हमारा फैन अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं घूम रहा था और उसके अंदर केवल एक आवाज आ रही थी। और इसके अंदर एक पीछे स्क्रू लगे हुए हैं और जैसे ही हमने इसकी स्क्रू को टाइट किया हमारा फैन बिल्कुल सही तरीके से चल गया। इसके ऊपर आप देखिए इसके अंदर दो कंट्रोलर लगे हुए हैं। जो पहले वाला कंट्रोलर है वह आपके हीटर की गर्मी को कम या ज्यादा करेगा, और जो लेफ्ट वाला कंट्रोलर है वह आपके हीटर को कट कर देगा उतने टेम्परेचर पर जितने आपने इस कंट्रोलर को सेट किया है। तो दोस्तों इसके अंदर जो खराब होने वाले कंपोनेंट है वह इसका हीटर का एलिमेंट है जो जनरली टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। और जब ये ब्रेक हो जाता है तो सर्किट भी आपका ब्रेक हो जाता है, जिससे इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता और ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो अगर ये टूट गया है तो आप बड़ी आसानी से इसको जोड़ सकते हैं और आपका हीटर दोबारा से चालू हो जाएगा। और या फिर आपका फैन खराब हो जाता है, आपका फैन नहीं चलता है, तो उस केस में आप इस फैन को चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर इस फैन की वायर वगैरह टूट गई है तो आप उस वायर को दोबारा से लगा सकते हैं। लेकिन यह प्रॉब्लम तो केवल इस ब्लोअर की थी, हो सकता है आपके ब्लोअर में किसी और तरह की प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए मैं हर पार्ट्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके ब्लोअर में आए तो आप आसानी से उसको ठीक कर लें। और दोस्तों इसके ऊपर जो दो कंट्रोलर लगे हुए हैं उनके वह भी अक्सर खराब हो जाते हैं, आप उनको भी चेक करें। उनके कंट्रोलर में कार्बन आ जाता है जिसकी वजह से वह पूरी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करते। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।